हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। सो टुडे इज 11th जुलाई, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। सो चलिए आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। सो जैसा कि हम जानते हैं कि पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन कितनी बड़ी प्रॉब्लम है अपने वर्ल्ड के लिए। सो आज हम इस सेशन में देखने वाले हैं द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, पॉपुलेशन ट्रेंड्स के बारे में देखेंगे, फैक्ट्स फ्रॉम पॉपुलेशन एस्टीमेट रिपोर्ट 2020 जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया जाता है या फिर कहें तो रिलीज़ किया जाता है। चल देखते हैं, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन मनाया जाता है, ठीक है, और इसे हम जो भी पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे वॉज अनाउंस्ड बाई द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम इन द ईयर 1989। ओके, सो इसे लॉन्च किया जाता है UNDP जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है। और जो इसे पहली बार इसे नोटिस कब किया गया था, जब ऑन जुलाई 11, 1987 में, जबकि वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच कर गई थी 5 बिलियन। ओके, जब पहली बार वर्ल्ड पॉपुलेशन इतनी पहुंची थी तो लोगों का इस पर ध्यान गया कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इशू बनता जा रहा है। ठीक है, देखते हैं आगे। दिस डे वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड 11 जुलाई। ओके, इसे पहली बार 11 जुलाई 1990 को मनाया गया था। लगभग 90 कंट्रीज से अधिक कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट की हुई थी। ओके, आगे देखते हैं। द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड सेलिब्रेट वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इन अ पार्टनरशिप विद कंट्रीज। ओके, ये अपने पार्टनर कंट्रीज के साथ इसे मनाते हैं, उनके अपने ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट्स अपने ट्रेडिशन के हिसाब से लोग इस डे को सेलिब्रेट करते, मतलब सेलिब्रेट क्या करते हैं इस पे, मतलब इसे मेन सेलिब्रेट इसीलिए किया जाता है ताकि लोगों का इस पे ध्यान जा सके। ओके, अगला पॉइंट इसी यही चीज़ बोल रहा है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इसलिए मनाया जाता है कि लोगों का फोकस जाए, लोगों को पता चले कि हमारे लिए कितना बड़ा इशू है आज के डेट में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पॉपुलेशन ट्रेंड्स के बारे में। ओके, वेयर इट टुक हंड्रेड्स ऑफ द, देखिए टोटली पॉइंट ये बोल रहा है कि हजारों साल लगे 1 बिलियन वर्ल्ड पॉपुलेशन पहुंचने में, और यही पॉपुलेशन सिर्फ 200 सालों में 7 गुना बढ़ गई। आखिर ये क्या हो रहा था देश दुनिया में। ओके, इफ़ देयर हैज़ बीन अ बिग चेंज, देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज देखा गया फर्टिलिटी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में। तो देखते हैं आगे, इसमें बोला है कि द एवरेज ग्लोबल फर्टिलिटी रेट। ओके, द एवरेज ग्लोबल फर्टिलिटी रेट इन 1970 में जो ये एवरेज फर्टिलिटी रेट ऑफ वुमेन था वो 4.5 था, जो कि घटकर 2015 में 2.5 हो गया। ये तो अच्छी बात है कि मतलब घट गया, 4.5 से 2.5 हो गया, तो काफ़ी मुझे 2 पॉइंट का अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और इसी समय द एवरेज ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, 64.6 थी 1990 में, और ये बढ़ गई 2019 में 72.6 हो गई, लगभग 8 साल बढ़ गई ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, तो ये मतलब अच्छी बात है कि हेल्थ केयर में लोगों के सुधार हुआ है, बट हाँ इससे तो पॉपुलेशन इंक्रीज में एक हाथ है इसका ना, इसलिए बस पॉइंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2007 वाज द फर्स्ट ईयर इन विच मोर पॉपुलेशन लिव्ड। ओके, ये सीधा सीधा ये बोल रहा है कि 2007 में पहली बार ऐसा हुआ कि जब ज़्यादा पॉपुलेशन गाँवों में नहीं शहरों में रहने लगी। ठीक है, और ऐसा बोला जा रहा है कि 2050 में लगभग 66% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन शहरों में रहने लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ग्रोइंग पॉपुलेशन इफेक्ट्स, बढ़ते हुए पॉपुलेशन के इफेक्ट्स देख लेते हैं। इसका इकोनॉमिक ग्रोथ पे इफेक्ट है, एम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट है, पॉवर्टी पे इफेक्ट है, सोशल सिक्योरिटी पे इफेक्ट है, हेल्थ पे इफेक्ट है, एजुकेशन पे इफेक्ट है, हाउसिंग पे है, सैनिटेशन पे, वाटर, फूड एंड एनर्जी, इन सब पे इसका इन्फ्लुएंस है। मतलब टोटली ये बात है कि अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है, और ये सारी चीज़ें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रिलेटेड टू एजुकेशन है, जब तक एजुकेशन अच्छा नहीं होगा तब तक ये चीज़ें खत्म हो ही नहीं सकती, कोई चांस ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो मैंने बताया कि सम फैक्ट्स अबाउट पॉपुलेशन एस्टिमेट रिपोर्ट 2020 द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करती है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 12-11। ओके, ये सीधा बोल रहा है कि 2011 में जो ये पॉपुलेशन 12-11 मिलियन थी, ये 2036 तक 15-22 मिलियन होने वाली है। ठीक है, लगभग ये 25.7% का ग्रोथ होगा, और ये 25 सालों में लगभग हर साल 1% की ग्रोथ से बढ़ने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एज अ रिजल्ट द पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीज फ्रॉम 368 to 463 पर्सन। ओके, जो 1 स्क्वायर किलोमीटर में है 368 लोग रहते हैं, चाहे रहते थे बोले तो, लेकिन अब आगे जाके ये 463 लोग रहने लगेंगे, यानी कि भीड़ बढ़ने वाली है भाई।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द सेक्स रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम 943 इन द ईयर 2011 टू 952 इन द ईयर 2036। ओके, देखिए तो जो सेक्स रेशियो था वो अच्छा हो गया है। देखिए 2011 में जो था 943 था, 2036 में 952 हो जाएगा, तो ये तो अच्छा ही है। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द टोटल फर्टिलिटी रेट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन फ्रॉम 2.37 इन 2011 टू 2015। जो फर्टिलिटी रेट थी जो 2.37 थी 2011 टू 2015 तक, वो घटकर आ जाएगी 1.73 इन 2031 टू 35 में। ओके, वही अच्छा है। नेक्स्ट देखते हैं, द अर्बन पॉपुलेशन इन द कंट्री इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम 31.8 इन 2011। ओके, तो ये बोल रहा है कि जो अर्बन पॉपुलेशन 31.8% 2011 में शहरों में रह रही थी वो बढ़ जाएगी, और 38.2% लोग जो है वो शहरों में रहने लगेंगे 2036 तक। ओके, ये सारे चीज़ें हैं, और आगे देखते हैं, आगे तो कुछ है नहीं। अगर आप वीडियो यहाँ तक अच्छा देखें तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।